इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की अपीलों पर समाअत आज है। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नैब की सजा बढ़ाने की अपील को सुना जाएगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की बरियत के खिलाफ नैब अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर है। एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत भी आज ही होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे साकिब सैयद से। साकिब सैयद, आज ये समाअत होने जा रही है, मुख्तलिफ केसों की क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास मजीद? जी बिल्कुल, आज मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दोबारा पेश होंगे। जैसे कि आज एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में जो है वो आज अपीलों के खिलाफ जो है आज अदालत के सामने पेश होंगे। दूसरी जानब फ्लैगशिप रेफरेंस में भी बरियत के खिलाफ अपीलों पर आज वो अदालत के सामने पेश होंगे। नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त पे मरी में मौजूद हैं। वो आज हाई कोर्ट से पहले जो है मिनिस्टर इंक्लेव में आएंगे और अपनी कानूनी टीम के मशावरत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे। आज का केस जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियाँ हसन औरंगज़ेब की सरबराही में दो रुकनी बेंच समाअत करेगी। इसके अलावा जो है ख़ास लोगों को कमरा अदालत जाने की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें से 30 साफ़ी होंगे, 15 नवाज शरीफ की जानिब से जो वकला पेश होंगे वो 15 की तादाद में वकला अंदर जा सकेंगे। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस्लामाबाद के अतराफ़ में खाकदार ताली लगा दी गई हैं। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद पुलिस और FC के साथ साथ खवातीन एहलकार भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और लिस्ट के मुताबिक अंदर जाने के लिए लोगों की इजाज़त होगी। जैसे कि समाअत जो है मुमकिन तौर पर 2 बजे के करीब शुरू होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब सैयद, हमारे साथ मौजूद थे।